हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ लाया इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस में ज्यादातर आ जाता है यह है टॉपिक का नाम क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड की क्लासिकल थ्योरी क्या है इस चैप्टर में जो मैंने लिखा हुआ है आपको हो बहु उसी तरीके से पेपर में लिखना है और आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे चलिए शुरू करते हैं तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमेशा आपको देना है कि क्लासिकल थ्योरी किसने दी है वगैरह वगैरह क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वॉज गिवन बाय एडम स्मिथ डेविड रिकार्डो टॉरेंस एटसेट्रा एटसेट्रा अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज द डिफरेंस इन द रियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंट कंट्रीज वो ये कहते थे कि जो ट्रेड है ये क्यों होता है ट्रेड इसलिए होता है कि कुछ जगह पे कुछ चीजें सस्ती बनती हैं कॉस्ट में हैं और दूसरी जगह पे वही चीजें महंगी बनती हैं तो इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फर्क होता है इसी वजह से ट्रेड होता है डिफरेंस इन द कॉस्ट मे बी और थ्री काइंड जो कॉस्ट है उसमें तीन तरीके का डिफरेंस हो सकता है बेसिकली दो टाइप का है एपसोलूट कास्ट डिफरेंस कंपेरेटिव कॉस्ट डिफरेंस या कम्पेरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट एक ही बात है इक्वल कॉस्ट डिफरेंस ये कहता है कि तीसरा केस है 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 ये कहता कोई कॉस्ट में डिफरेंस नहीं और ट्रेड नहीं होगा मगर मैंने तीनों सिचुएशन एक्सप्लेन की हुई हैं तो जो एब्सोलूट कॉस्ट डिफरेंस है वो एडम स्मिथ ने दिया था कम्पेरेटिव कॉस्ट डिफरेंस जो है वो रिकार्डो ने दिया था डेविड रिकार्डो तो इक्वल कॉस्ट डिफरेंस इनका मिक्स करके बन गया था ठीक है अब आ जाते हैं इसकी एजम्पन्स पहला एजम्पन टू बाई टू मॉडल टू बाई टू मतलब दो कंट्रीज हैं और दो गुड्स प्रोड्यूस कर रही हैं पहली एजम्पन

ियस जो लेबर है वो सेम क्वालिटी की है इसकी भी बाद में करेंगे प्रोडक्शन टू लॉफ कॉन्स्टेंट रिटर्न जो प्रोडक्शन है उस परस आएंगी कॉन्स्टेंट रिटर्न आपको पता ना जितने परसेंट फैक्टर्स बढ़ाओ उतने परसेंट ही आउटपुट बढ़ती है ठीक है नेक्स्ट <coughs> बोल बोल के गला बैठ जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर परफेक्टली मोबाइल विद इन द कंट्री बट दे आर परफेक्टली इन मोबाइल बिटवीन द कंट्री जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो विद इन द कंट्री तो आसानी से मूव कर सकते हैं मगर आउटसाइड द कंट्री जाने में काफी ज्यादा उनको प्रॉब्लम्स आ जाती है देर इज नो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के बारे में इग्नोर uh, किया गया उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कंसिडर नहीं किया गया जिसकी बाद में क्रिटिसिज्म करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड इज फ्री फ्रॉम ऑल गवर्नमेंट कंट्रोल्स ये कहता है कि भाई फ्री ट्रेड है गवर्नमेंट की कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं है इसको भी बाद में बुराई करेंगे देर इज फुल इम्प्लॉयमेंट इन द कंट्रीज एंगेज इन द इंटरनेशनल ट्रेड ये थ्योरी मान के चलती है कि uh, जो भी कंट्रीज ट्रेड में एंगेज हैं जैसे दो कंट्रीज की बात हो रही है तो जो भी कंसर्न कंट्रीज है वहां पे फुल इम्प्लॉयमेंट है इसकी भी बुराई होगी ठीक है ना देर इज अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन बोथ द गुड्स मार्केट

ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इसमें जो सबसे पहला है एप्सिलू डिफरेंस इन कॉस्ट कई बुक्स में इसकी हेडिंग होती है एबसुलूट कॉस्ट डिफरेंस कई बुक्स में इसकी हेडिंग है एबसोलूट कॉस्ट एडवांटेज ठीक है तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ ये किसने दिया एडम स्मिथ ने ठीक है ये बात याद रखना और जो comparative वाली है वो रिकार्डो ने अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ द मेन बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज द डिफरेंस इन द एब्सोलूट कॉस्ट ये एडम स्मिथ कहते हैं कि भाई मेन रीजन ट्रेड का यही है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री से वो माल सस्ता बनाती है जो सस्ता बनाती है वो बाहर बेचेगी और जो वो महंगा बना पाती है वो बाहर से इंपोर्ट करा लेगी द डिफरेंस In the absolute cost arises when one country is in position to produce a commodity at a very low cost as compared to another country, and the other country can produce some other commodity at a lower cost compared to.

इंडिया में एक लेबर खेतों में काम करता है और दो के या फिर दो क्विंटल जो भी आप यूनिट लेना चाहो दो यूनिट्स ऑफ राइस बनाता है और एक और लेबर जो वीट में लगता है और लेबर की क्वालिटी तो सेम है वो वीट की खेती में जाता है और वीट को फोर यूनिट्स को प्रोड्यूस करता है उल्टा चलते हैं नेपाल में क्या होता है एक लेबर काम करता है तो फोर राइस बनाता है और वीट के खेतों में काम करता है तो टू यूनिट्स ऑफ वीट बनाता है और यहां पे देखें तो टोटल आउटपुट हो रही है 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 ठीक बट यहां से क्लियर पता लग रहा है कि इंडिया को फायदा है ये बनाने में वीट और नेपाल को फायदा है राइस बनाने में तो इंडिया क्या करेगा अपने दोनों के दोनों बंदे किस पे लगा देगा वीट के ऊपर तो जो राइस है उसकी कंजम्पशन तो जीरो होगी वीट की कंजम्पशन क्यों दो बंदे इधर लगेंगे तो डबल कंजम्पशन होगी क्योंकि कांस्टेंट रिटर्न्स की हमने एक्म्शन लिया ना तो ये एट हो गया अब यहाँ पे क्या होगा नेपाल क्या करेगा नेपाल ये इसको फोर यूनिट्स बना रहा है और इसको टू बना रहा है तो नेपाल क्या करेगा अपना यहां से एक बंदा निकालेगा वीट में से और राइस में लगा देगा तो राइस की जो है वो डबल हो जाएगी जब राइस की डबल होगी और इसकी जीरो हो जाएगी तो ओवरऑल प्रोडक्शन देखें तो एट एट हो जाएगी तो कहने की बात है कि एब्सोलूट कॉस्ट डिफरेंस थ्योरी कहती है जो आपको सस्ता पड़ता है वही माल बनाओ और दूसरे से जो दूसरे को सस्ता पड़ता है वो खरीद लो अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इट इज क्लियर दैट इंडिया हैज़ एन एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड नेपाल इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस कि इंडिया को वीट में फायदा है और जो नेपाल है उसको राइस में फायदा है ठीक है अब एक और बात ध्यान से देखो इंडिया में दो राइस चार वीट के बराबर है मैं यहां लिख रहा हूं इंडिया में दो राइस चार वीट के बराबर है तो एक राइस दो वीट के बराबर हुआ ना वन के टेबल से काटो तो तो यहां पे मैंने लिखा हुआ है कि इंडिया में जो है दो राइस चार वीट के बराबर है मतलब एक राइस दो वीट के बराबर है और दूसरी तरफ नेपाल में क्या है नेपाल में चार राइस दो वीट के बराबर है तो नेपाल में चार राइस दो वीट के बराबर है मतलब एक राइस हाफ वीट के बराबर है समझिए बात मैं ये क्यों निकाल रहा हूं क्योंकि डायग्राम इसी के वे से बनाना है अब जो इंडिया की कर्व है इंडिया की कर्व में अगर राइस यहां राइस दिखा हुआ है यहां वीट तो राइस मैं एक दिखा रहा हूं तो वीट यहां दो दिखा रहा हूं क्योंकि इसकी रेशियो यही है वन इज टू टू ठीक है दूसरी तरफ अगर नेपाल की का बना रहा हूं नेपाल में एक राइस किसके बराबर है हाफ वीट के तो यहां पे हाफ आ जाता है तकरीबन तो, तो मैं यहां लिख लेता हूं पॉइंट फाइव ठीक है तो ये एक वीट यहाँ मतलब एक राइस यहाँ पॉइंट फाइव वीट के बराबर है समझ गई बात अब ये तो इनकी कर्व्स हो गई ट्राइंगल जो भी है ए बी सी ये जो ट्राइंगल है मैं शेड कर देता हूं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो ठीक है ये वाला ट्राइंगल ये जो बीच वाला है ठीक है ये वाला सारा का सारा ट्राइंगल ठीक है ये जो ट्राइंगल है ये शो करता है गेन्स फ्रॉम ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस गेन्स बिटवीन द कंट्रीज विल बी बेस्ड ऑन द टर्म्स ऑफ ट्रेड सेटल्ड बिटवीन देम ये जो शेडेड पोर्शन है ये जो ट्राइंगल है ये गेन्स फ्रॉम ट्रेड दिखाता है मगर किस कंट्री को कितना कितना गेन होगा ये डिपेंड करता है उनकी टर्म्स ऑफ ट्रेड पे तो टर्म्स ऑफ ट्रेड का मैं टॉपिक अभी बना रहा हूं पूरा हो जाएगा तो उसे भी अपलोड कर दूंगा ठीक है नेक्स्ट आ जाते हैं कंपेरेटिव कॉस्ट डिफरेंस अब ये कंपेरेटिव कॉस्ट डिफरेंस किसने दी थी रिकार्डो ने मैं पहले ही बता चुका हूं कंपेरेटिव कॉस्ट डिफरेंस क्या कहता है पहले मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ एग्जाम्पल बहुत आपको मजा आएगा सुन के क्योंकि ये एग्जाम्पल मैं अपने स्टूडेंट्स को देता हूं उनको बहुत मजा आता है मान लो मैं हूं मैं टीचर हूं ठीक है मैं टीचर भी हूं और मैं अपनी कार वॉश भी कर सकता हूं ठीक है मैं एक टीचर भी हूं और मैं अपनी कार वॉश भी कर सकता हूँ मान लो मैं दोनों के दोनों काम अच्छे कर सकता हूं क्योंकि अगर मेरे कोई और मेरी कार धोएगा क्या पता उतना मन लगा के ना धोए जितना मन लगा के मैं धोता हूं तो मैं टीचिंग भी कर सकता हूं मैं अपनी कार वॉश भी कर सकता हूं मगर मुझे कम्पेरेटिव फायदा किस में मुझे कम्पेरेटिव फायदा है टीचिंग में कार वॉश में मेरा जितना टाइम लग जाएगा एक एक चीज की रगड़ाई करके सफाई करके मैं लगूंगा जितना उतनी देर में तो मैं पता नहीं कितने बच्चों को पढ़ा लूंगा और अगर उतनी देर में मैं काफी बच्चों को पढ़ा लेता हूं तो वहां से मैं ज्यादा पैसा कमा सकता हूं एज कम्पेयर टू अगर मैं कार वॉश करनी शुरू कर दूंगा समझ गई बात तो कम्पेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज कहती है ऑल दो मैं दोनों काम बेटर कर सकता हूं मगर मुझे वही काम करना है जिसमें मुझे कंपेरेटिवली फायदा है और हमें कैसे पता लगेगा कि कंपेरेटिवली फायदा किस चीज में है उसके कुछ फॉर्मुलेज हैं जो मैंने बताए हुए हैं आपको अकॉर्डिंग टू डेविड रिकार्डो Comparative difference in the cost is the sole cause of international trade. International trade the main uh, reason comparative cost difference. Comparative cost difference, uh, comparative difference in cost means that uh, a country in a country is in a position to produce both the goods at a least cost than the other country. Yet it has greater comparative advantage in the production of one of the two goods while. इट हैज लेस कंपेरेटिव एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड तो इसमें बताया कि कंपेरेटिव कॉस्ट डिफरेंस या कंपेरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट का मतलब है कि एक कंट्री दोनों के दोनों गुड्स दूसरी कंट्री से बेटर वे में बना लेती है स्टिल उस कंट्री को एक गुड बनाने में कंपेरेटिवली ज्यादा फायदा है और दूसरे गुड बनाने में कंपेरेटिवली कम फायदा है द अदर कंट्री प्रोड्यूस बोथ द गुड एट हायर कॉस्ट अदर कंट्री

काफी ज्यादा क्वांटिटी बना पा रहा है और टोटल प्रोडक्शन कितनी है फोर्टीन राइस की और एटीन वीट की बट स्टिल किस कंट्री को किस चीज में फायदा है ये हम अब डिस्कस करेंगे कॉस्ट रेशियो के थ्रू अब ध्यान से समझना कॉस्ट रेशियो इन इंडिया जब इंडिया की निकाल रहे हैं तो हम दोनों की निकालेंगे राइस की भी और वीट की भी तो सबसे पहले मैंने हेडिंग बनाई है कॉस्ट रेशियो ऑफ राइस इन इंडिया अब राइस की कॉस्ट रेशियो निकालनी है इंडिया की बात चल रही है ना तो इंडियन राइस इंडिया ऊपर और नेपाल नीचे तो इंडियन राइस है टेन नेपाल राइस है फोर सॉल्व करके कितना आया टू पॉइंट फाइव दूसरी तरफ कॉस्ट रेशियो ऑफ वीट इन इंडिया तो इंडियन वीट डिवाइडेड बाय नेपाल वीट तो इंडियन वीट है टेन नेपाल वीट है एट तो आंसर कितना आया वन पॉइंट टू फाइव कॉस्ट रेशियो ऑफ राइस इन इंडिया इज ग्रेटर देन व्हीट कॉस्ट रेशियो ऑफ राइस इंडिया में क्या ज्यादा है टू पॉइंट फाइव आ रही है और नेपाल आ, मतलब वीट की कॉस्ट रेशियो आ रही है इंडिया विल गेट ग्रेटर एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस देन वीट तो इंडिया को क्या बनानी चाहिए राइस बनानी चाहिए क्योंकि इसकी कॉस्ट रेशियो ज्यादा आ रही है हेंस इंडिया विल ऑन द प्रोडक्शन ऑफ राइस दूसरी तरफ नेपाल की बात करते हैं कॉस्ट रेशियो इन नेपाल तो कॉस्ट रेशियो ऑफ राइस इन नेपाल इज अब नेपाल की बात चलिए तो नेपाल ऊपर इंडिया नीचे नेपाल राइस नेपाल राइस डिवाइडेड बाय इंडियन राइस तो 4/10 इज 0.4 कॉस्ट रेशियो ऑफ वीट इन नेपाल तो इसमें क्या है नेपाल वीट ऊपर इंडियन वीट नीचे तो 8 डिवाइडेड बाय 10 इज 0.08 मैं कहाँ से ले रहा हूँ मैं ये टेबल से वैल्यू ले रहा हूं ठीक है ना तो ये आ गई 0.08 अब इन दोनों में से ज्यादा कॉस्ट स किसकी आ रही है वीट की तो नेपाल को वीट बनानी चाहिए इट इज क्लियर फ्रॉम द अब एनालिसिस दैट नेपाल हैज लेस कंपेरेटिव डिसएडवांटेज नेपाल को क्या है लेस कम्पेरेटिव डिसएडवांटेज है इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट हेंस इट शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड इम्पोर्ट राइस फ्रॉम इंडिया तो ट्रेड कर लेंगे डायग्राम का तो दस वीट। क्योंकि दोनों में एक एक लगते हैं और लेबर की जो क्वालिटी है वो सेम है तो इंडिया में एक राइस एक वीट के बराबर है नेपाल में क्या है फोर राइस इज इक्वल्स टू तो एट वीट मतलब एक राइस दो यूनिट्स ऑफ वीट के बराबर है तो अब ट्रेड जब होगा तो क्या होगा जब ट्रेड होगा तो इंडिया बनाएगा राइस क्योंकि उसको राइस में फायदा है तो दोनों लेबरर्स इधर लगा दिए तो वो ट्वेंटी होगी और वीट जीरो होगी नेपाल में वीट का फायदा था तो यहां से निकाला ये जीरो होगी और दूसरी तरफ सिक्सटीन होगी तो अगर इसको टोटल करेंगे ट्वेंटी प्लस सिक्सटीन आ रहा है अब ओवरऑल प्रोडक्शन कितनी हो रही है थर्टी सिक्स ट्वेंटी प्लस सिक्सटीन थर्टी सिक्स पहले ओवरऑल प्रोडक्शन कितनी हो रही थी फोर्टीन प्लस एटीन थर्टी टू तो प्रोडक्शन बढ़ गई ना ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ गई तो अब ये जो मैंने यहां पे लिए थे कि एक राइस एक वीट के बराबर है इंडिया में और एक राइस दो वीट के बराबर है नेपाल में तो वहां से हमने ये डायग्राम बनाया है है सिमिलर डायग्राम राइस यहां वीट एक राइस एक वीट के बराबर है इंडिया में तो इस कर्व को मिलाया तो इंडिया की बन गई समझ गए बात और नेपाल की बनाने के लिए एक राइस नेपाल में दो यूनिट्स ऑफ वीट के बराबर है तो मैंने क्या किया यहां पे एक जो राइस है उसको दो के साथ मिला दिया दो यूनिट्स ऑफ वीट के साथ ठीक है आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा ठीक है तो अब ये जो डायग्राम बनाए तो ये हमें बताता है कि कंपेरेटिव कॉस्ट डिफरेंस क्या है अब सिमिलरली इसके बीच में ये जो शेडेड पोर्शन है ये गेन्स फ्रॉम ट्रेड है और किसको कितना गेन हुआ ये किस पे डिपेंड करता है टर्म्स ऑफ ट्रेड में तो मैंने ये लिखा हुआ है कि ट्राइंगल एबीसी रेफर्स टू द गेंस फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन्स बिटवीन द टू कंट्रीज विल बी बेस्ड ऑन टर्म ऑफ ट्रेड सेटल बिटवीन दैम तो जो भी दोनों में टर्म्स ऑफ ट्रेड सेटल्ड होंगे उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको गेन होगा और किसको कम गेन होगा किसको ज्यादा गेन होगा मगर ये जो ट्राइंगल बना है ये दिखाता गेंस फ्रॉम ट्रेड ही है ठीक है नेक्स्ट इक्वल कॉस्ट डिफरेंस तीसरी सिचुएशन इक्वल कॉस्ट डिफरेंस की है जिसमें ट्रेड होता ही नहीं कैसे वेन द प्रोडक्शन रेशियो ऑफ टू गुड्स in two countries is equal it is called equal cost difference in this situation international trade will not be possible either uh, neither country gains from trade dono mein se koi bhi country ko fayda nahi hota trade karke example batata hu isme example woh hi hai countries india and nepal rice aur wheat ki production kar rahe hain india banata hai चार unit of rice and 8 unit of wheat तो अगर मैं rice और wheat की ratio lu 4 divided by 8 क्या हुआ 1 by 2 समझ गई बात दूसरी तरफ अगर मैं राइस नेपाल की बात करता हूं नेपाल बनाता है थ्री यूनिट्स ऑफ राइस एंड सिक्स यूनिट्स ऑफ वीट तो नेपाल में भी मैं करूं थ्री राइस डिवाइडेड बाय वीट ये भी तो वन बाय टू हुआ तो दोनों सिचुएशन में रेशियो बराबर है समझ रहे हो ना बात रेशो बराबर है तो जब भी रेशियो बराबर होती है तो इक्वल कॉस्ट डिफरेंस होता है दोनों में कॉस्ट का इतना कोई फर्क नहीं है वो मैंने यहाँ हल्का सा डिस्कस किया हुआ है इन इंडिया फोर राइस इज इक्वल टू एट वीट मतलब एक राइस के बदले दो वीट नेपाल में भी थ्री राइस सिक्स वीट मतलब एक राइस के बदले दो वीट देयर विल देर फोर बी नो ट्रेड पॉसिबल इट इज दस एविडेंट दैट इंटरनेशनल ट्रेड इज पॉसिबल वेन देयर इज अदर एप्सोलूट डिफरेंस इन द कॉस्ट और कंपेरेटिव डिफरेंस इन द कॉस्ट ट्रेड तभी होगा क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से जब कॉस्ट कॉस्ट डिफरेंस डिफरेंस या फिर comparative cost difference होता है इस केस में राइस एक और वीट दो के बराबर ही है दोनों के दोनों कंट्रीज में जो है सेम रेशियो आ रही है इसलिए इसमें ट्रेड नहीं होगा समझ गए बात अब इसमें ट्राइंगल तो बने तो गेंस फ्रॉम ट्रेड का कोई मतलब ही नहीं बनता नेक्स्ट आ जाता है अब हम डिस्कस करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल थ्योरी क्लासिकल थ्योरी की बुराइयां क्या हैं चलिए शुरू करते हैं पहली बुराई आ जाती है ओनली अ नॉर्मेटिव थ्योरी यह सिर्फ एक नॉर्मेटिव थ्योरी है किस तरीके से क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज ओनली अ नॉर्मेटिव थ्योरी इट डज एक्सप्लेन एज टू हाउ इकोनॉमिक वेलफेयर कैन बी प्रमोटेड एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड हाउ द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री कैन बी पुट टू ऑप्टिमम यूज ये थ्योरी सिर्फ ये बताती है कि हम किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक वेलफेयर को कैसे प्रमोट कर सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू और किसी भी कंट्री के रिसोर्सेज को कैसे फुली यूटिलाइज कर सकते हैं बट इट डज बट इट फेल्स टू एक्सप्लेन द कम्पोजिशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और द नेचर ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट एंड वट आर देयर प्रॉब्लम्स ये ये नहीं बताती कि भाई किस 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 टाइप के गुड्स बाहर भेजें इंपोर्ट करें या एक्सपोर्ट करें और किस तरीके से ये जो फॉरेन ट्रेड में या इंटरनेशनल ट्रेड में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो सॉल्व हो सकती हैं। इट इज नॉट अ पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड तो ये एक अच्छी एक्सप्लेनेशन इंटरनेशनल ट्रेड की नहीं है सिर्फ बताती कॉस्ट में डिफरेंस है ट्रेड कर लो ठीक है ना नेक्स्ट आ जाता है बेस्ड ऑन द लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू लेबर को इंपोर्टेंस दे रही कैपिटल की बात ही नहीं की समझ की बात तो चलिए शुरू करते हैं थ्योरी ऑफ कंपेरेटिव कॉस्ट इज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ लेबर कॉस्ट ये सिर्फ ये कहती है लेबर की कॉस्टिंग देखो जहां सस्ती पड़ रही है वहीं से मंगा लो सामान अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कॉस्ट ऑफ अ गुड डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ लेबर नेसेसरी टू प्रोड्यूस इट हर एक चीज के ऊपर जितना लेबर लगी है उसी के हिसाब से उसकी कॉस्ट होगी बट इन रियालिटी कॉस्ट ऑफ अ गुड इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्राइस ऑफ अदर फैक्टर्स लाइक लैंड कैपिटल एटसेट्रा इन एडिशन टू द लेबर मतलब ये थोड़ी ना कि सारी की सारी लेबर की वैल्यू की बात चलेगी और भी तो कई फैक्टर्स हैं जो उस जो उस पर्टिकुलर गुड जो आपने बनाया है उसके प्राइजेस को कौसर डालेंगी और भी तो कई चीज़ें हैं ना सिर्फ एक ही चीज़ थोड़ी ना लेबर की कॉस्टिंग देखा उसी से प्राइस इन्फ्लुएंस होता है और किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस नहीं होता नेक्स्ट आ जाता है इमोबिलिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल द एजम्पन ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट दैट लेबर एंड कैपिटल आर मोबाइल विद इन द कंट्री बट इमोबाइल बिटवीन द टू कंट्रीज इज अनरलिस्टिक ये थ्योरी इस एजम्पन पे बेस्ड है कि कंट्री तो आप लेबर को मूव करा सकते हो बट फॉरेन कंट्री में लेबर को भेजना है डिफरेंट कंट्रीज असल जिंदगी में अगर देखा जाए तो होता यह है कि आजकल आप बाहर भी जा सकते हो आसानी से यहां से लेबर कितने जाते हैं बाहर काम करने ठीक है ना और दूसरी बात अगर लेबर इम है तो हमारा कंट्री इतना बड़ा है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भी इमोबाइल है जब उसने जाना होता है तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में नहीं जाता काम करने और जब जाना होता है तो फॉरन भी चला जाता है समझ रहे हो ना बात ठीक है रेजिडेंट्स बिलोंग्स टू डिफरेंट क्लासेस ऑफ द सेम कंट्री डू नॉट मूव फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर तो इमोबिलिटी तो इसमें भी हुई ना कि लोग तो आजकल एक ऑक्युपेशन को थोड़ छोड़ के दूसरे पे भी नहीं जाते मतलब कोई टीचर है तो वो कुछ और करना शुरू कर देगा वो कहेगा छोड़ो क्या है मैं टीचर ही कर देता समझ बात तो तो में भी इमोबिलिटी तो हो सकती है वो भी चीज इसमें डिस्कस नहीं की गई नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आर इग्नोर्ड इन्होंने एजमशन ली थी कि भाई नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अब आप खुद सोचो कोई भी चीज ऐसी हो सकती है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को इंक्लूड ना किया गया हो मेन डिफेक्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ कम्पेटिव कॉस्ट इज दैट इट नॉट टेक इन टू काउंट देशन कॉस्ट इस थ्योरी का मेन डिफेक्ट यह भी है कि यह ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को स्टडी नहीं करती इग्नोर कर देती है इनकेस ऑफ सम कॉमोरिटीज ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आर हायर देन देयर प्रोडक्शन कॉस्ट कई चीजें ऐसी होती है जिनको ट्रांसपोर्ट करने में ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है उनको बनाने में कम पैसा खर्च होता है क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह इतनी डेलीकेट होती है पहुंचाना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है ग्लास आइटम्स वगैरह ठीक है ना इट इज देयर फॉर इसेंशियल दैट वाइल्ड एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग ऑफ गुड्स टोटल कॉस्ट शुड बी कैलकुलेटेड टेकिंग इन अकाउंट बोथ द प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो ऐसे गुड्स के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर उनको इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करना है तो उनकी टोटल कॉस्ट के अंदर प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी डाली जाए इंटरनेशनल ट्रेड इज वेरी मच इन्फ्एंस्ड बाय द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड वी कैन एफोड टू इग्नोर इट बाहर भेजना होता है कोई समान तो पैसा ही बहुत खर्च होता है ट्रांसपोर्टेशन ट्रांस्पोर्ट, के ऊपर रेट रेट्स ही बड़े हाई है तो अब उसको इग्नोर थोड़ी ना कर सकते हैं मुफ्त में थोड़े ना भेजेंगे बाहर तो ये थ्यूरी ने ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को इग्नोर कर दिया जो काफी अनरिस्टिक सी बात है नेक्स्ट बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट रिटर्न ये थ्योरी कहती है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट रिटर्न होगा डिमिनिशिंग भी हो सकता है इंक्रीजिंग भी हो सकता है उसकी बात ही नहीं करती द थ्योरी एज्यूम दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड इफ़ प्रोडक्शन इज इंक्रीज एंड इवन इफ प्रोडक्शन इज इंक्रीज और डिक्रीज ये थ्योरी कहती है कि जो कांस्टेंट कॉस्ट हैं आपको पता होना चाहिए अगर आपको माइक्रो नहीं आती तो भाई मेरी माइक्रो की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो जब भी लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स होता है प्रोडक्शन में तो उल्टा उसके लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट होता है जब भी इंक्रीजिंग रिटर्न्स uh, आते हैं तो डिमिनिशिंग कॉस्ट आते हैं जब डिमिनिशिंग रिटर्न होते हैं तो इंक्रीजिंग कॉस्ट आते हैं तो जब भी लॉफ कॉन्टेंट रिटर्न होता है तो कॉन्स्टेंट कॉस्ट ही होता है ठीक है तो जब भी कॉन्स्टेंट कॉस्ट होगा ये थ्योरी कह रही है कि चाहे प्रोडक्शन इंक्रीज हो डिक्रीज हो कॉन्स्टेंट रिटर्न रहेंगे मतलब कॉन्स्टेंट कॉस्ट रहेगा दिस एजम्पन इज नॉट ओनली अंटलिस्टिक बट अनसाइंटिफिक ऑल्सो खुद सोचो ज्यादा माल बनाएंगे तो सस्ता पड़ना चाहिए ऑर्डिनरली वन फाइंड प्रोडक्शन इज सब्जेक्ट टू लॉ इंक्रीजिंग कॉस्ट और द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट असल जिंदगी में जब भी हम कोई माल बनाते हैं या तो हमें इंक्रीजिंग कॉस्ट होता है या डिमिनिशिंग कॉस्ट होता है मतलब या तो डिमिनिशिंग रिटर्न uh, या इंक्रीजिंग रिटर्न होते हैं द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कॉस्ट इज रेयर एंड दैट टू फॉर शॉर्ट वाइल और अगर हम ये देख लें कि कॉन्स्टेंट का लॉ अप्लाई होता भी है कॉन्स्टेंट कॉस्ट का तो वो काफी शॉर्ट टर्म के लिए होगा और वो उस शॉर्ट टर्म के बाद खत्म हो जाएगा वैसे ज्यादातर ये रेयर फिनोमिना है ठीक है नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स आर इग्नोर्ड द थ्यूरी स्टेट दैट एवरी कम्युनिटीटिव कॉस्ट इज हाई शुड बी इम्पोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड ये कह रहा है कि हमें बाहर से वो सारी चीजें मंगा लेनी चाहिए जिसकी कॉस्टिंग ज्यादा पड़ रही है दिस थ्यूरी डज नॉट होल्ड गुड फॉर मिलिट्री इक्विपमेंट एंड स्ट्रेटेजिक गुड्स बिकॉज नो कंट्री लाइक्स टू डिपेंड ऑन अदर फॉरन कंट्रीज फॉर सिक्योरिटी एंड डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू ये कहती है बाहर से वो सारा सामान मंगवा लो जो कि हमें सस्ता पड़ता है मतलब जो कि हमें बाहर से सस्ता पड़ता है वो बाहर से मंगवा लो अब आप दिमाग से सोचो अगर वो सारा माल जो हमें सस्ता पड़ता है हम वो बाहर से मंगवा लेंगे मगर उसमें कई गुड्स ऐसे हैं जो मिलिट्री के गुड्स होते हैं स्ट्रेटजिक गुड्स होते हैं उसके इसमें क्या होगा अगर आपने वैसे वैसे गुड्स मंगाने शुरू कर दिए तो हम तो अपने डिफेंस के लिए फॉरनर या फिर फॉरन कंट्रीज के ऊपर ही डिपेंड कर जाएंगे ना एवरी कंट्री विश टू बी सेल्फ सफिशेंट इन द मैटर ऑफ डिफेंस ऑफ कंट्री इवन इफ इट्स कंपेरेटिव कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग डिफेंस गुड्स इज हाई हर एक कंट्री ये चाहती है कि डिफेंस की आइटम्स में वो सेल्फ सफिशेंट हो जाए चाहे उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई है फिर भी वो गुड्स खुद ही बनाए ताकि किसी और के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े ठीक है तो स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स को तो इसने थ्योरी ने इग्नोर कर दिया नेक्स्ट आ जाता है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कंप्लीट स्पेशलाइजेशन ये थ्योरी कहती है कि भाई सिर्फ राइस ही बनाओ वीट कोई और बना लेगा या सिर्फ वीट ही बनाओ राइस कोई और बना लेगा तो इस सिचुएशन में तो काम खत्म है ना भाई पूरी की पूरी दूसरी चीज के लिए पूरे के पूरे कंट्री पे डिपेंड करना ये भी सही नहीं है इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग इन द इंटरनेशनल ट्रेड टू स्पेशलाइज फुली इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्यू गुड्स तो ये कंट्रीज के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो सिर्फ फ्यू गुड्स ही बनाएं और बाकी सारे बाहर से मंगवाएं सपोज इंडिया एंड नेपाल एंटर इनटू इंटरनेशनल ट्रेड सपोज इंडिया और नेपाल का ट्रेड होता है इंडिया स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड नेपाल इन द प्रोडक्शन और डिमांड फॉर इंडिया फॉर राइस नॉर नॉर इट कैन ऑब्जर्व ऑल द वीट यहाँ पे नॉर आना था मैं यहाँ पे नॉर लिख देता हूँ राइस नॉर ठीक है स्पीड स्पीड में हो जाता है कभी कभी नॉर इट कैन एबजॉर्ब ऑल द वीट प्रोड्यूस्ड बाय इंडिया इंडिया ने जितनी भी वीट प्रोड्यूस की है एक्सेसिव उसको भी कंज्यूम नहीं कर सकता मैं आपको सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं इंडिया और नेपाल है इंडिया को फायदा हो रहा है मान लो वीट में और नेपाल को इस एग्जाम्पल के हिसाब से बताता हूँ चलो इंडिया को फायदा हो रहा है वीट में और नेपाल को फायदा हो रहा है राइस में तो नेपाल जोर मार के जितना मर्जी राइस बना ले वो इतना नहीं बना सकता कि इंडिया की जो कंजम्पशन की नीड्स है वो पूरी कर सके क्योंकि नेपाल तो इंडिया के आगे बहुत छोटी कंट्री है अगर वो सारे के सारे में भी राइस उगा लेगा तब भी शायद इंडिया की डिमांड राइस की पूरी ना कर पाए समझ गए बात तो इस केस में फायदा क्या हुआ ट्रेड करने का हमने वो चीज़ बनाई मगर हमें जो दूसरे से मिलनी थी वो इतनी प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा तो इस केस में

हाउ द गेंस फ्राम इंटरनेशनल ट्रेड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू कंट्रीज और ऑन वट बेसिस दर्म्स ऑफ ट्रेड विल बी सेटल्ड ये बिल्कुल नहीं बताता कि टर्म्स ऑफ ट्रेड जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो किस हिसाब से सेटल किए गए या फिर किस को कितना कितना गेन हुआ किसी को ज्यादा गेन हुआ किसी को कम गेन हुआ क्या गेन हुआ ये चीज तो डिस्कस नहीं करता नेक्स्ट आ जाता है मोर देन टू गुड्स अब आपको पता न इसने एज ऑम्शन लिया है कि सिर्फ दो ही गुड्स होंगे द थ्यूरी एज्यूम्स दैट ट्रेड इज इन टू गुड्स ओनली a country produces and exports that good whose comparative cost is less and import that good whose comparative cost of production within the country is more in reality a country exports and imports larger number of goods as compared एज सच दिस थ्योरी इज अनलिस्टिक ये सिर्फ दो गुड्स की बात कर रही है कि भाई दो ही गुड हैं एक हम बना रहे हैं कोई और कंट्री बना रही है हमारे को जिसमें सस्ता पड़ता है हम वो बना रहे हैं जिसको दूसरी कंट्री में सस्ता पड़ता है वो वो बना रही है तो कहने की बात है इंटरनेशनल ट्रेड सिर्फ दो गुड्स का नहीं होता ज्यादा होता है मोर देन टू गुड्स होता है इसलिए थोड़ी अनिस्टिक है बेस्ड ऑन फ्री ट्रेड सिंपल वर्ड्स में जो क्लासिकल इकोनमिट है एज्यूम दैट इंटरनेशनल ट्रेड इज फ्री फ्राम ऑल रेस्ट्रिक्शंस बट दिचुएशन इन मॉडर्न टाइम्स इज एंटायरली डिफरेंट आपको पता है कि फ्री ट्रेड तो कहीं है ही नहीं फ्री ट्रेड तो इवन अमेरिका भी नहीं करता यूरोप फ्री ट्रेड करने के चक्कर में यूरोपियन यूनियन बनाई थी अब वो भी ब्रेग्जिट के बाद कह रहे हैं ब्रिटेन को एग्जिट करो समझ के बाद तो फ्री ट्रेड का नुकसान होता भी है फायदे भी होते हैं मगर यहाँ तो ये यह है कि एजम्पन लेके चल रहा है फ्री ट्रेड है मगर असल जिंदगी में तो फ्री ट्रेड है ही नहीं नो कंट्री विशेज टू डिपेंड अपॉन द अदर कंट्री दीज डेज हर एक कंट्री दूसरे कंट्री पे डिपेंड नहीं होना जाता बिसाइड सेवरल अदर सिचुएशंस लाइक imperfect competition, trade restrictions, state trading, export and import duties, and and economic planning do not allow uh, allow the theory to operate. ये theory सिर्फ वहीं पे operate करेगी, वहीं पे काम करेगी जहाँ पे free trade है। तो ये सारी restriction कई countries में होती हैं। तो free trade तो कहीं पे भी नहीं है। जब free trade नहीं है, तो ये theory कैसे apply होएगी? Next, static condition. Another assumption uh, implied in the theory is that taste and टेस्ट ऑफ द पीपल एंड प्रोडक्शन कंडीशन ऑफ द टू कंट्रीज रिमेन्स अनचेंज्ड ये स्टैटिक थ्योरी है ये कहती है भाई टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी सेम रहेंगे लोगों के जो कंडीशन है प्रोडक्शन की वो भी सेम रहेंगी बिसाइड्स द सप्लाई ऑफ लैंड कैपिटल एंड लेबर रिमेन्स स्टैटिक ये सारी चीजें स्टैटिक रहेंगी बट इन रियल वर्ल्ड ऑल दीज थिंग्स गो ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं दिस एजम्पन इज देयर फॉर ठीक है नेक्स्ट वन साइडेड थ्योरी क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज वन साइडेड ये सिर्फ एक ही साइड की बात करती है इट टेक्स इन टू ऑफ द ट्रेड बट इग्नोर द डिमांड साइड ये कह रही है भाई सामान बनाओ दूसरी कंट्री को सस्ता जो हमें पड़ता है वो उनको बेचो जो बाहर से सस्ता आता है वो खरीद लो भाई ये सिर्फ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रही है डिमांड साइड की बात ही नहीं कर रही सप्लाई की बात कर रही है इट टेल्स अस वट गुड्स अ कंट्री इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बट डज नॉट एक्सप्लेन एज हाउ टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड रेट ऑफ एक्सचेंज आर डिटर्मिंड रेट ऑफ एक्सचेंज और टर्म्स ऑफ ट्रेड की तो बात ही नहीं कर रही सिर्फ कह रही है बनाओ और सप्लाई करो ठीक है आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थोड़ी बड़ी होगी है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन कवर करना होता है तो एक एक पॉइंट आपको लिख के बताना होता है इस चैप्टर के बाकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे थ्योरी भी मैं बनाऊंगा तो डिस्क्रिप्शन में दूंगा टिल देन टेक केयर हैव अ नाइस डे